तो दोस्तों आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि हमने अपना एक ड्रोन लिया था जो कि न्यू बिल्कुल मैंने परचेस किया था अमेज़ॉन का, और इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी हमने अपने इसी चैनल पर। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि नया ड्रोन था और फर्स्ट टाइम मैंने ये ड्रोन लिया था, अमेज़ॉन से परचेस किया था और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई। तो कल हम अपने फ्रेंडों के साथ उड़ा रहे थे, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा उड़ा रहे थे, और उड़ाते उड़ाते क्या हुआ, उड़ा रहे थे तो थोड़ा ऊपर गए, लेकिन एक जंगल में उड़ा रहे थे जैसे हम, कि तो वहाँ पर क्या था, पेड़ था, एक्चुअली पेड़ देख नहीं पाए, पेड़ में जाके क्या हुआ, ऊपर जाके ये टच हुआ और वहीं ये क्रैश हो गया। तो इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका जो मेन गिम्बल होता है सबसे पहले तो वो टूटा है, और इसकी जो ऊपर की जो बॉडी है ना, ये साइड की अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जूम करके दिखा दूंगा, तो ये यहाँ से टूट गई है। पंखड़ी एक टूटी थी, वो मैंने चेंज कर ली घर पे ही, क्योंकि इसके साथ में हमें कुछ पंख मिले थे, तो वो एक टूटा था, वो मैंने चेंज कर लिया। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत तरीके देखे कि गिम्बल को कैसे जोड़ें, तो यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जिसमें कि मेरी पूरी हेल्प हो पाए। बहुत सारी सर्चिंग की मैं, रात भर परेशान हुआ, वीडियो देखी, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको वीडियो सर्च करते होंगे ड्रोन से रिलेटेड, बहुत सारे ब्लॉगर भाई होंगे जिन्होंने न्यू ड्रोन लिया होगा, फर्स्ट टाइम लिया होगा, बेचारे उड़ाते होंगे, उनका भी क्रैश हुआ जरूर होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आसमान में उड़ती है, बाई चांस बाई मिस्टेक हो जाती है और आके गिर जाती है और नुकसान हो जाता है। तो इसी चक्कर में मैं यूट्यूब पे देखा, मुझे वीडियो नहीं मिल पाई। तो आज के इस ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि ड्रोन की कैसे सर्विसिंग करानी है। मैंने बात की थी क्योंकि इसकी जो सर्विस सेंटर है वो जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में नहीं है, थोड़ा मुझे दूर जाना पड़ेगा, तो मैं इसी वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा इस ड्रोन से रिलेटेड, कि आपको कितना खर्चा आएगा गिम्बल चेंज कराने में, जो मेरा जितना खर्चा आएगा ना वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका जो सर्विसिंग आपको पूरा मिल जाएगा, और आई थिंक आपको सारा हेल्प मिलेगा इस वीडियो में, और आपको कोई भी वीडियो देखने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ये वीडियो मेरी देख लेंगे, आपको सारा कुछ मैं शेयर कर दूंगा एक्सपीरियंस जो भी होगा। तो हम इसको लेकर जाएंगे सर्विस सेंटर पर और आपको सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। आपको टूटा हुआ दिखाता हूँ, एक्चुअली टूटा गया है, तो सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखेंगे, ये इसकी जो ऊपर की बॉडी है ना, ये टूट गई, ठीक है, इसका ये पंख टूटा था ये साइड वाला, तो मैंने ये तो चेंज कर लिया। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ गिम्बल, ये जो आप देखेंगे मेन चीज़ है जो ड्रोन के अंदर, पहले खोलता हूँ मैं इसको, यहाँ पर आप देखेंगे ये खुल जाता है, खुल जाने के बाद में आप ये देखेंगे स्टक कर रहा है, मतलब ये कहीं टकरा रहा है, तो ये टूट गया, और मैंने इसको जोड़ भी लिया है यहाँ पर आप देखेंगे अंदर, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, हार्डवेयर बता रहा है कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो ये प्रॉब्लम आई है इसके अंदर एक्चुअली। तो यही सारी जो सर्विसिंग होगी मैं इसकी कराऊँगा, क्या खर्चा आएगा सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। तो चलिए इसमें इतना ही, और मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ, मिलते हैं अभी आगे। अभी हम पहुँच चुके हैं जंक्शन, और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग कर दी, ये उसकी स्लिप है, तो यहीं से निकलेंगे अभी मैं बरेली जंक्शन से। इसकी जो सर्विसिंग होगी वो लखनऊ होगी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहीं के लिए मेरी ट्रेन है 7 बजे की, तो अभी आधा घंटा है ट्रेन में, तो हम वेट करते हैं ट्रेन का, फिर यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। अभी हम चल रहे हैं सीधे अंदर ट्रेन के लिए, सबसे पहले हम यहाँ से एक टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद में ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 7 बजे है, फिर यहाँ से हम निकलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले टिकट ले लेते हैं एक, हमारे 3 टिकट और 3 लोग साथ, एक ये बंदा है जिसका नाम वाहिद है, और ये हैं खमरिया के राजकुमार, हाय। तो अब टिकट ले लिए, अब ट्रेन पे चल रहे हैं। हम जा रहे हैं लिफ्ट से, ये भाई साहब जंक्शन पे लिफ्ट लग चुकी है, फायदा उठा रहे हैं उसका। एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, थम्स अप। फाइनली गाइस, अभी रात के बजे हैं 12:26, तो ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले हो गई थी तो रात के 12 बजे, वैसे 9 बजे पहुंचा था लेकिन यहाँ बज गए 12, तो अभी पहुंच चुके हैं लखनऊ 4 बार। अब यहाँ से निकलते हैं अपने फ्रेंड्स के रूम पर और अगले मिलते हैं आप। तो दोस्तों रात काफ़ी टाइम हो गया था हमें, करीब 12-1 बजे यहाँ रूम पर पहुँचे थे, दोस्त का रूम है ये मेरे, तो यहाँ 12:30 करीब पहुँचे थे, फिर खाना वाना खाया, टाइम लग गया, तो 3 बजे सोए थे, तो अभी उठे हैं हम सुबह, अभी बजा है 10:30। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से सर्विस सेंटर के लिए, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे सर्विस सेंटर के लिए, तो वहीं चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आई थी और कैसे उसको ठीक करा जाएगा, सारा कुछ आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, फाइनली हम अब निकल चुके हैं सर्विस सेंटर के लिए, मैं हूँ, इधर वाहिद है और आगे 2 दोस्त और हैं हमारे, तो अब वहीं चल रहे हैं हम सीधे। तो दोस्तों अभी हमने अपनी जो कैब है वो बुक कर दी है अपनी लोकेशन के लिए, और अभी आने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर कैब आएगी हमारी, यहाँ से हम चलते हैं। और ये इधर ये दोनों लोग हैं,
गर्मी है। अरे धर्राटे काट रही है भाई, लखनऊ में गर्मी है, बरेली से ज्यादा लग रही है। नहीं तो अभी कैब आ रही है, फिर हम चलते हैं बस। फाइनली हम अंदर बैठ चुके हैं। ऐसी गंदी शक्ल है भाई, अब तो गर्मी में बैठ चुके हैं, चलते हैं। हम फाइनली अपने जो डेस्टिनेशन है उससे थोड़ा सा पीछे हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं, तो पहुँचते पहुँचते लगी थोड़ी भूख, तो यहाँ खाना खा रहे हैं। लखनऊ का ये हमें थोड़ा सही लगा, क्या नाम है इसका, खस्ता और समोसा, तो यहाँ पर आ चुके हैं बस। चलो पर 4 घंटे के बाद जो हमारा ड्रोन था वो पूरा रिपेयर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या लगाया है, यहाँ पर फ्लाइंग टेस्ट भी हमने आपको करके दिखाया, और अब चलते हैं घर पे और आपको सारे डिटेल बता दें कितना खर्चा आया कितना क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो जाएगा आपको बताने में, तो हम आपको ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं घर पर, शाम हो चुकी है।